distance of 5 meters. At a distance of? Right. Right. Main use karunga basically. At a distance of 5 meters. Okay? Sir, repeat. A man is standing before a plane mirror at a distance of 5 meter. Ek aadmi 5 meter ke distance pe khada hai. Gender badal sakte ho, aap aurat likh dena, koi baat nahi. Where his image will be formed. Uska image kahan banega? Suno bhai. एक्चुअली सभी के लिए एक क्वेश्चन, क्योंकि नाइन्थ वाले बच्चों के लिए भी, वो सेवन्थ और एट्थ में लाइट चैप्टर पढ़ते हैं ऑलरेडी, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे और सोचेंगे समझेंगे सबके काम की। आपको मैंने सॉल्व करने के लिए नहीं देना है, ये मैं खुद ही सॉल्व करने वाला हूँ। सपोज ये क्वेश्चन आता है वन मार्क का, कितने का? तो वन मार्क के अंदर आपने आंसर लिख देना है 5 meter. ओके, राइट? क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? तो आंसर 5 मीटर है, लेकिन सीबीएसई बोलेगा इसको हाफ मार्क्स दो, और आप बाहर निकल के आए हो बोलेंगे भाई यार मेरा आंसर तो 5 मीटर है, मेरा भी 5 मीटर है, लगा वन आउट ऑफ वन आया हाफ, तो आपको टेंशन ही आएगा तो मेरा हाफ मार्क्स कहाँ गया? आपको लगेगा कोई किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, वो पंडित जी वाली लच्ची नहीं खाई, जिसने खाई थी उसका तो आ गया फुल मार्क्स, मेरे को हाफ मार्क्स आया। पता हाफ मार्क्स कहाँ पड़ा? 5 मीटर बिहाइंड द मिरर। तो यू गेट हाउ मच? 1 out of 1, यू गेट इट? तो केयरलेसनेस कई बार खराब कर दिया। ओके, अब सीन नंबर टू, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाए तो, अब दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, पहले था ये क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए, अब सेक्शन बी में चला गया क्वेश्चन नंबर 12, कितने का है? 2 मार्क्स। बोर तो नहीं हो रहे आप? हो गए तो हो जाओ, कोई बात नहीं, अब झेलना पड़ेगा। तो अगर ये 2 मार्क्स का आ गया, राइट, तो आप फिर क्या करोगे? अब आपके अंदर तो वही चल रही है पेन ड्राइव में जो डाउनलोड हुआ है कि 5 मीटर में है, आप कितना खुश हो जाओगे कि कितना पागल है टीचर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, एक लाइन का आंसर था 5 मीटर बिहाइंड। तो अब आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? ना, मैं तो ये भी नहीं देने वाला, मैं दूंगा हाफ आउट ऑफ 2, कितना? अब बोलोगे सर 1.5 कहाँ गए, दिखाऊं जादू? हम करेंगे सॉल्यूशन, आप लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, एक स्कूल में जाके ना वो कहते हैं अरे तो हवा करने आया हमसे क्वेश्चन पूछ के, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, जो टीचर्स होते हैं वो भी गले मारते हैं कि यार एक दिन का सीएम है हम तो एक दिन, मैं आपको बड़ा अच्छा लग रहा हूँ ना ऐसा, मैं आपके टीचर से बेस्ट नहीं हूँ, आपका टीचर बेस्ट है, राइट, मैं तो मैम को डेडिकेट करता हूँ ये कि फिर भी बुलाएंगे, 10 years 12 years शी हैज स्पेंट इन दिस एरिया, राइट, सैल्यूट करता हूँ मैम को। तो 1/v + 1/u = 1/f। भाई आपने जब ये लिखा, कोई ना मैम बोलने दो इनको, कुछ नहीं होता, अगर ये बोल रहे हैं तो मेरे अंदर कमी है। तो 1/v + 1/u = 1/f। जब आपने यूजिंग मिरर फॉर, ये प्लस टू के लिए भी है, टेंथ के लिए भी है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, करेक्ट? यस सर। तो अब आप यहां पर इसको नंबर 1 लगाएंगे और यहां पर सीबीएसई बोलेगी कि इसको हाफ मार्क्स दे दो, कितने मार्क्स दे दो? हाफ। तो चीज वही, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मैंने देखा, ये आई हैव मेट 7000 स्टूडेंट्स और आई हैव गॉन टू अराउंड 12
schools and 5 in Himachal. This is the 6th one, right? So 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F. Correct?